नैनीताल का गेट है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग्स। और आज क्या दुकान आया हुआ हूँ तो सोचा आज व्लॉग कर लेते हैं। काफ़ी टाइम से व्लॉग हमारा हो नहीं रहा है क्योंकि कहीं जा नहीं रहे हैं, क्योंकि काम थे तो अब हुए हैं काम से फ्री। तो आई होप आज व्लॉग की सोचा कि व्लॉग बना लेते हैं। आज बस आज फ्री था तो बोर हो रहा था घर पे, तो मैंने सोचा आज दुकान आ जाते हैं और व्लॉग बना लेते हैं। भाई सर्दी आ गई है, सुबह उठने का मन भी नहीं करता है कि वैसे तो अगर गर्मी होती है तो वह 6 बजे 7 बजे उठ जाओ, सर्दी है तो वही मैं 8:30 या 9:30 ऐसे टाइम पे उठता हूँ। फिर जाते फिर सुबह सुबह थोड़ा बहुत काम होता है तो 11-12 बजे बच जाते हैं। दुकान आ रहा था, वहाँ से पैदल पैदल आ रहा था तो गर्मी लग रही, तो मेरी जैकेट वो रखी है सामने, तो मैंने अपनी जैकेट वहाँ रख दी है अभी क्योंकि गर्मी लग रही थी, उतार दी तो मैंने वहाँ रख दी है। तो घर पे जाऊँगा फिर, अभी तो टाइम हो नहीं रहा है, 1:30 बज रहा है, करीबन 3 या 3:30 पे जाऊँगा। भाई ने आज भोग लगाया था तो ये रहा बेसन का लड्डू, ये मेरा बहुत ही फेवरेट लड्डू है बेसन का। हमारे तरफ चुरौती हलवाई बनाता है ये लड्डू बेसन का, तो बहुत ही टेस्टी लगता है, तो खा ले जाऊँ क्योंकि मेरा मनपसंद लड्डू है बहुत। मैं बूंदी के इतने ज़्यादा नहीं खाता, इतने ज़्यादा मैं खाता हूँ बेसन के लड्डू, क्योंकि जो बेसन होता है ना उसका पूरा, उसको भूंजा हुआ बोलते हैं, कलर आप देख सकते हो कि कलर कैसा है, पूरा खाने के बाद इतना टेस्टी लगता है ना लड्डू, बहुत टेस्टी लगता है गाइस। तो ज़्यादातर मुझे ना किसी के लड्डू पसंद नहीं है, चुरौंजी हलवाई पसंद है, वो लड्डू में जो बेसन होता है ना बहुत मूझता है, तो आप देख सकते हो देखो कितना अच्छा लग रहा है और खाने का स्वाद ही इसका कुछ अलग ही है। तो फाइनली ये प्रसाद है, थोड़ा खा लेते हैं और थोड़ा बांट भी देंगे तो बहुत है अपन पे अभी, है ना, थोड़ा सा और खा लेता हूँ, अच्छा लग रहा है, फेवरेट है क्योंकि तो बाकी खा लेता हूँ, हमारे भाभी को ही पसंद है लड्डू चुरौंजी हलवाई के। दुकान के सामने सड़क कूद गई है तो बहुत परेशानी आ रही है गाड़ी रखने में भी बहुत ज़्यादा। मैं आपको बता देता हूँ देखो कितना सड़क खोद दी है, और सड़क तो वैसे भी बहुत खोदी थी ना, बहुत ज़्यादा ही धूल आ रही थी, बहुत ज़्यादा दुकान पूरी धूल धूल से, पूरी धूल आ जाती है दुकान के अंदर, क्या पूरी धूल से ना बेकार हो जाती है। और ये सामने ये लगे हैं ना गद्दे, उस पर भी काफ़ी धूल है, अभी मैं चढ़ाऊँगा ना तो धूल निकलेगी ऐसे कर करके, जैसे कि आप देख सकते हो बहुत बड़े बड़े गड्ढे कर दिए हैं क्योंकि पाइप लाइन डल रही ना, पहले उस तरफ से करा था, अब इस तरफ से कर दिया है, हमारी दुकान के सामने कर दिया है तो वहाँ तक चल रहा है अभी और नीचे तक जाएगा शायद, और यहाँ से भी पूरा गड्ढे हैं वहाँ तक खोदा है आगे से। जो आवाज़ आ रही है ना सामने गैरेज है तो गाड़ी की ठोकर, वही गाड़ी सही हो रही है तो उस वजह से आवाज़ आ रही है, क्योंकि इस सड़क से हिलते डुलते जाना पड़ता है, जैसे कि देख सकते हो जब बाइक निकल रही है तो हिल डुल के जाना पड़ता है क्योंकि काफ़ी गड्ढे हो चुके हैं। इसलिए हुआ कि कितने सारे गड्ढे हैं क्योंकि पाइपलाइन डल रही है ना, इस वजह से ना रोड को ख़राब कर दिया है। रोड तो वैसे ही बहुत पुरानी ख़राब है, अब शायद बन जाए तो बन जाए, प्रोसेसिंग हो जाती है तो गड्ढों की। तो आपने ना वेताल की लाइटिंग नहीं देखी है ना, तो मैं आज आपको ले चलता हूँ वेताल की लाइटिंग दिखाने के लिए, क्योंकि मैं भी नहीं गया हूँ, अपने सुबह का ब्लॉग बना ही लिया था वेताल का, 2 बार हो गया है ना, सुबह सुबह का 2 बार हो गया, तो आज मैं आज इसी ब्लॉग में आपको ना लाइट दिखाऊँगा वेताल की। तो वैसे भी आज मैं जाऊँगा वेताल तो वहाँ पर अपन लोग देखेंगे लाइटिंग कैसा, अच्छा लगता है वेताल, उसमें लाइटिंग वगैरह साउंड वगैरह चलता है ना, तो मैं आपको दिखाऊंगा आज। पहले अपन जाएंगे घर, खाना तो मैंने खा के गया। तो भाई अभी हम चल रहे हैं अभी वेताल वाली रोड पर, तो आप ये खूबसूरती नज़ारा देखो और खूबसूरती के साथ में ये आपको लाइटिंग बढ़िया मिलेंगी यहाँ पर। तो अभी हम पहुँचने वाले हैं वेताल, तो आज मैं इस प्रपोज से जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर आज, तो गाइस मैं अभी आ गया हूँ वेताल पर, तो ये है आज आज की लाइटिंग, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो भाई साइज में आया था वेताल, तो वेताल में आज दिखाऊंगा आपको लाइटिंग, लाइटिंग आप देख सकते हो चारों तरफ से लाइट, ये नज़ारा यहाँ पर पूरा आपको मिलेगा, और यहाँ से पूरी लाइटिंग मिली है, और जो मैं इसके अंदर खड़ा था ना यहाँ पे भी आपको लाइट मिलने वाली है, अगर लाइट में आते हो तो यहाँ पे आप इंजॉय कर सकते हो
और बैठे था मस्ती में कट। तो मैं आ गया हूँ आज बेदा ताल, यानी कि ये पड़ता है मोती महल के। मेरी आपने वो वीडियो देखी होगी पुरानी, मैंने जो हिस्ट्री बताई है आज बेदा ताल की, पहले मैंने बना चुका हूँ ब्लॉग, दो ब्लॉग बना चुका हूँ और एक ब्लॉग में मैंने पूरी इसकी जो हिस्ट्री है पूरी हिस्ट्री बताई थी। और आज जो मैं लाइटिंग में आया हूँ, क्योंकि मैं आया नहीं था बेदा ताल पर, मैं मुकेश के साथ में आया हूँ। आज मेरे चाची का लड़का है, मैं उसके साथ में आया हूँ। तो मुकेश भाई कैसा लग रहा है यहाँ पे? बढ़िया लग रहा है, लाइट वाइट में बढ़िया लग रहा है आज। मुकेश भाई कह रहे हैं चाची का लड़का है मेरे, तो मैं उसको लेके आया हूँ। तो अच्छा लग रहा है यहाँ पे, लाइटिंग आप देख सकते हो, पीछे मैं खड़ा हूँ इसके अंदर अभी, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। और बोटिंग भी चलती है रात को, और टाइम 8 बजे बाद बंद हो जाता है, 8 बजे के बाद में ये। तो अभी 8 बजे नहीं है, अभी 7:30 हो रहा है और 8 बजे ये बंद हो जाएगी बोटिंग, जैसे कि आपको बोटिंग में दिख रहे होंगे लोगों बाद। ये चल रही है बोटिंग, 8 बजे का टाइम है, 8 बजे के बाद ये बंद हो जाती है। जो दूर दूर तक जा रही है बोटिंग, वहाँ चल रहा है फुहारा, देखिए आप देख सकते हो 4 पॉइंट दिए हैं फुहारे के भी, एक जो पर चल रहा है और एक जे चल रहा है और दो यहाँ चल रहे होंगे, देखो आप यहाँ पे चल रहे हैं। तो यहाँ पे चल रही है बोटिंग अभी, और सामने भी पूरी यहाँ पे पूरा बोटिंग बोटिंग चल रहा है, और सामने आपको हरियाली दिख रही होगी। तो एक दो यहाँ पे बने हुए हैं 7 गोलंबर यहाँ पर पूरे, और ये जाता है ब्लॉक, ये रोड जाता है मोती महल वाला रोड है, और सामने बना है इसके कार्यालय मोती महल जिसको बोला जाता है, और सामने दिख रहा होगा आपको, जो आप सामने देख रहे होंगे वो मोती महल है, इसको मोती महल बोला जाता है। और मोती महल के सामने, मोती महल के सामने बोला जाता है इसको बेदा ताल, ये है बेदा ताल। तो सामने आपको बहुत सारे दर्शक दिख रहे होंगे यहाँ पे, वो खड़े हुए हैं गोलंबर में, और गोलंबर के साथ में चारों तरफ गोलंबर है ना, हर कोई खड़ा रहता है यहाँ पे, देख सकते हो आप। तो ये रही गाड़ी अपनी, मैंने गाड़ी वहाँ खड़ी कर दी है, गाड़ी मैंने वहाँ खड़ी कर दी और मैं आ गया हूँ नीचे। तो यहाँ से मैं कूद गया था एक्चुअली, यहाँ पे पहले वो जीना बना हुआ है वो बंद कर दिया है, तो यहाँ से मैं कूद के यहाँ आ गया हूँ। तो नाइट में ये साउंड भी चलता है यहाँ पर, साउंड भी चलता है, ट्यूनिंग चलती है यहाँ, काफ़ी अच्छा मज़ा आता है यहाँ बेदा ताल में। काफ़ी टाइम से मेरा ब्लॉग नहीं बना था, आज मैंने सोचा कि आज बेदा ताल जाया जाए नाइट शो में, तो नाइट शो में मैं आ गया हूँ। यहाँ पर ट्यूनिंग वगैरह चलती हैं और यहाँ पे दर्शक भी नाइट में ज़्यादा आते हैं, तो ठंड बहुत हो चुकी है, तो मैं जैकेट पहन के आया हूँ और हाथ कपड़े हैं, यहाँ ठंड में गाड़ी चला के आया हूँ, तो सर्दी हो चुकी है। तो सुबह का मॉर्निंग ब्लॉग नहीं हो पाता, देखेंगे कोशिश करेंगे मॉर्निंग ब्लॉग भी हो जाए अपना, तो मैं कोशिश करूँगा मॉर्निंग में जाने की, कि फोरम वोरा पड़ जाए फिर मैं चालू करूँगा ब्लॉग। तो मिलते हैं घर पर अभी जहाँ से जाने के बाद में। हे गाइस, तो मैं जा रहा हूँ अभी घर पर, और घर पर देखते हैं वहाँ का ब्लॉग अपन बनाते हैं। तो मैं जा रहा हूँ अभी घर पर, यहाँ का मैंने ब्लॉग पूरा शूट कर लिया है। गाइस आप देख सकते हो ये खूबसूरत सा बेदा ताल का गेट है, यहाँ से एंटर करते हैं, जैसे कि ये गाड़ियाँ निकल रही हैं आप देख सकते हैं यहाँ, और यहाँ पर 4-5 ठेले लगते हैं यहाँ पर, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर। तो मैं आ चुका हूँ अभी घर पर, और मैंने आपको बेदा ताल का सीन पूरा दिखा दिया है। तो आपको वीडियो पसंद आएगी तो आप लाइक एंड शेयर, और अभी तक मेरे इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लें, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और मिलते हैं अगले ब्लॉग्स में, मेरे उद्गार, तब के लिए बाय बाय गाइस।